हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग याद होगा क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़े थे, जिसको कूलम्स फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोलते हैं, मतलब बोला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम के साथ साथ। आज हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ गया है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को मेन रूप से जो पढ़ना है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड साथ ही साथ कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम लोग को फोर्स के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। तो फोर्स आप लोग को पता है, फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई इफेक्ट है जो किसी मोशन में, मतलब कोई भी एक काउज है जो मोशन को चेंज कर सकता है, मोशन के स्टेट को, मोशन के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। काउज है, इफेक्ट नहीं। तो अभी हमारा जो फोर्स है वो मेन रूप से दो अलग अलग टाइप का होता है, जिस पर हम लोग का पोटेंशियल डिपेंड करता है। पोटेंशियल जिस फोर्स के टाइप से हम लोग जानना चाहते हैं, तो वैसे हम लोग फोर्स का दो अलग अलग टाइप के बारे में समझेंगे। एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और सेकंड फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? बहुत ही आसान सा चीज़ है। जैसे कि अगर कोई फोर्स इस प्रकार से हो जिसके आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी हो और उस ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी हो, उन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ऐड करने के बाद वो कंजर्व होता है। कंजर्व होता हो मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है हमेशा इक्वल इक्वल रहे, तो वैसे फोर्स को, मतलब जिस फोर्स के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहे, तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे, वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि जो भी आप वर्क करते हैं, कोई भी वर्क आप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क किया जाता है, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, या तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता हो, तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और जहाँ पे जो वर्क करने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हम लोग उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स की। अब क्या होता है फोर्स? फोर्स इज अ काउज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और या तो बस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसमें दो प्रकार का फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और जो सेकेंड होता है हम लोग उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे? तो कंजर्वेटिव फोर्स वैसा होता है जिसमें टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पे कंजर्व होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है केवल एक ही एग्जांपल हम यहां पे लिख रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम लोग को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, द टोटल वर्क डन इज बींग स्टोर्ड, टोटल वर्क डन इज बींग स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा वो कंजर्वेटिव फील्ड में या तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो अभी हम लोग समझते हैं, ये चीज़ को समझ लीजिए। एक चीज़ और है जिसके बारे में आप लोग को बतला देना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मैटर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए बी कॉस थीटा, तो अगर थीटा बराबर जीरो डिग्री है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए बी। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला है फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू भी जो वर्क है, वर्क का डिफ्रेंशिएशन है, और एफ डॉट डी आर, जहाँ पे एफ है फोर्स और डी आर है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क होता है वो सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सब चीज़ हमारा बेसिक था जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में समझ सकेंगे।
या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ सकें। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसान सा चीज़ है, हम अभी अभी समझे। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को के ऊपर कोई वर्क किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर अगर कोई वर्क किया जाएगा तो वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे किसको, जैसे कि कोई चार्ज बॉडी है, उसका चार्ज है हमारा Q1। अब कोई दूसरा चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज है आपका Q2। तो ये Q2 अगर अनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r2। हम लोग ये इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये अगर ये सेपरेशन r न रह करके अनफाइनाइट हो जाए, तो अनफाइनाइट हो जाए तो ये r का वैल्यू अनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब अनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ रहेगा तो उसका बीच में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो फोर्स अगर जीरो तो पोटेंशियल का भी वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं। जहाँ पे फोर्स जीरो लग रहा है वहाँ पे वर्क भी करेंगे तो जीरो ही होगा, वर्क जीरो करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर लाते हैं या तो किसी फाइनाइट पॉइंट पर लाते हैं, तो लाने में कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा। तो जो भी वर्क आपके द्वारा किया जाएगा उस वर्क को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे समझिए यहाँ पे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट स्लोली मतलब विदाउट एक्सलेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी चार्ज को अनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट पर लाने में अगर कोई वर्क किया जाता है, तो जो वर्क किया जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई वर्क किया जाएगा तो उस वर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। अब देखिए कि अनफाइनाइट से कोई चार्ज को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर लाएंगे तो कितना वर्क होगा। तो हम लोग उसके लिए मान लेते हैं क्या कि कोई चार्ज है Q1,
अब Q1 है तो Q1 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। अब कोई दूसरा चार्ज है, वो दूसरा चार्ज है Q2। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि Q2 को हम लोग अनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। अनफाइनाइट से कितना डिस्टेंस पर लेकर के आ रहे हैं? R डिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं और ये होगा dr का डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। आपको पता है ये Q1 है, ये Q2 है और दोनों पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो अगर इसको अंदर की ओर लाना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स अंदर की ओर आएगा और वो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगा करके उसको लाना पड़ेगा किसी गिवन पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों का वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक्सलरेशन इसमें नहीं चाहिए हमको, और मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये उधर की ओर लग रहा है तो इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लगाएंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लेट एनी चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, लेट एनी चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एंड अनदर चार्ज इज ब्राउट नियर द अनदर चार्ज Q2, लिख देते हैं, अनदर चार्ज Q2 इज ब्राउट नियर द पॉइंट पी, ठीक है। देन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा? क्लोज मतलब इंटीग्रेशन साइन फोर्स एक्सटर्नल आई इंटू dr वेक्टर, ठीक है। अब F एक्सटर्नल इंटू dr लिख दिया है, तो F एक्सटर्नल इंटू dr अगर हम लोग लिख देंगे तो F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा? तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले F इंटू dr का वैल्यू लिखते हैं। तो F इंटू dr, F एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर है और dr का डायरेक्शन इधर है, तो F एक्सटर्नल इंटू dr करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग सिंपल इसको क्या लिख देंगे? F एक्सटर्नल dr, वेक्टर हटा देंगे, वेक्टर हटा देंगे मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब F एक्सटर्नल इंटू dr हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए, F एक्सटर्नल इंटू dr है, F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है? तो F एक्सटर्नल का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r² लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो F एक्सटर्नल है वो नेगेटिव है F इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dr, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का साइन लिख देंगे? माइनस का साइन लिख देंगे। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू क्या दिया हुआ है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r² dr। चार्ज को कहाँ से लाया जाता है? तो चार्ज को अनफाइनाइट से किसी पॉइंट r तक लाया जाता है, अनफाइनाइट से r तक, तो लोअर लिमिट अनफाइनाइट और अपर लिमिट r, अनफाइनाइट से r तक लेकर के जाया जा रहा है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो WEXT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और वन बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है, इंटू डी आर। अब देखिए वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग सबको पता होगा, वो होगा माइनस वन बाई आर, वन बाई इंटीग्रेशन वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वन बाई आर। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और वन बाई आर, इसका वैल्यू अनफिनाइट से लेकर के आर तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करिए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई अनफिनाइट। तो वन बाई आर माइनस वन बाई अनफिनाइट करेंगे तो वन बाई अनफिनाइट का वैल्यू तो जीरो हो जाता है, तो आपका हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब आपको पता है इन कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल वर्क वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर, दिख रहा है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों। अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी लिखना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बहुत ही आसान, पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई चार्ज को अनफिनाइट से किसी गिवन पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो जो वर्क होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, लेकिन अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एनी चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाया जाता है तो जो भी वर्क किया जाता है उस वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी अभी समझ चुके हैं। जैसे देखिए, इफ एनी बॉडी या तो एनी चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट फ्रॉम
आर वन टू आर टू कहाँ से कहाँ तक लाया जाता है, आर वन से आर टू तक। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो अनफिनाइट से आर वन तक लेकर के जाएगा, अनफिनाइट से आर तक लेकर जाया जा रहा था, लेकिन अगर आर वन से आर टू तक लेकर के जाते हैं तब क्या होगा। तो हम लिख देंगे आर वन से लेकर के आर टू तक और एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है। इसको ही हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल डी आर का वैल्यू हम लोग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी आर लिखते हैं, तो माइनस आर वन से आर टू तक लिमिट होगा और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी आर लिखेंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये मिलेगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो यहाँ पे Q1 Q2 दे देते हैं, और 1 बाई आर, जैसे यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है तो सेम प्रोसेस करने के बाद आपको ये मिलेगा R1 और R2। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट 1 बाई आर टू माइनस लोअर लिमिट 1 बाई आर वन, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये एक्सटर्नल वर्क है, और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वही एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सटर्नल इन कंजर्व्ड फील्ड डब्ल्यू